हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूँ राकेश। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों सिस्टमैटिक्स डायग्राम। ठीक है, पहले हम यूज करते थे एस्टेक सिस्टमैटिक डायग्राम, तो अब वो अपडेट हो गया है, वो आ गया है ओरियन बाय एस्टेक। ठीक है, तो हमने डेस्कटॉप ओपन कर रखा है, यहाँ पे देखिए ओरियन बाय एस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, और जो रीसेलर हैं छोटू जी पटना GSM, ठीक है, उनका नंबर कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये पर मंथ आपको 150 रुपया, यानी कि बोर्नियो से आपको ये सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया अपडेट आया है इस बार। तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं हम पहले। तो नेट हमें थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम नेट को कनेक्ट कर लेते हैं। नेट हमारा कनेक्ट नहीं था, तो ये अब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ओरियन बाय एस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है, डेस्कटॉप पे। तो इसे हमें डबल क्लिक कर लेना है। क्या क्या अपडेट आया है इसमें, बहुत सारा अब इंटरफेस जो था वो चेंज हो गया है इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ से छोटू जी के पास से आपको बोर्नियो एस्टेक बहुत सारा आपको जो डेवलपर सब ये सारा चीज़ है, एस्टेक वगैरह, डायग्राम वगैरह, बहुत सारा कुछ टूल वगैरह आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जीमेल, पहले इसको जब आप सेटअप चलाइएगा तो इसमें आपको मेल से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक यूज़र आईडी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप यूज़र आईडी और मेल से कनेक्ट कर लीजिएगा। जो जो भी अपडेट आया है इसमें वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं। 10 जून 9 जून ये सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इतने जून तक के, मतलब कि जो अपडेट आया है इसमें। यहाँ से आप कॉर्नर पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा मॉडल है, अल्काटेल, एप्पल, असूस, ब्लू, ब्लैकसार, गूगल, हॉनर, हुआवे, इन्फिनिक्स, इनफोकस, LG, लावा, लेनेवो, मीजो, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, निफोस, नोकिया, नूबिया, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, सोनी, टेक्नो, वीवो, सयोमी, आईक्यू, आईटेल, बहुत सारा। ये पहले नहीं था, आईक्यू नहीं था। ठीक है, सोनी भी शायद नहीं था मेरे ख्याल से, और दो तीन मॉडल इसमें अपडेट किया गया है। ठीक है, मान लीजिए हमें जो भी फॉल्ट देखना है, मान लीजिए हमने सैमसंग को चुन लिया, इसको बैक कर लेते हैं, यानी कि हमें ए सीरीज में जाना है, तो ए सीरीज हमने चुन लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई सा भी मॉडल एक सेलेक्ट कर लेना है, मान के चलिए हमें, ठीक है, ये A13 हमें देख लेना है। ठीक है, अब A13 में हमें गाइडलाइंस देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ये देखिए LCD लाइट के लिए आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे LCD लाइट के लिए देख सकते हैं, SD कार्ड के लिए देख सकते हैं, LCD लाइट के लिए देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट के लिए देख सकते हैं, USB टाइप सी के लिए देख सकते हैं, ऑन ऑफ वॉल्यूम क्यू के लिए देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमें देखना है ऑन ऑफ की, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। ठीक है, तो इसको जूम करना है, जूम आउट करना है आपको, राइट से राइट की जो माउस का होता है उसको डबल क्लिक करिएगा तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसका पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों A13 का पावर ट्रैक, पावर की का। यहाँ पे देखिए ये हमारा इधर से 2 नंबर पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ सीधे पावर IC से निकल के ये हमारा रजिस्टर के पास जा रहा है। तो इस तरीके से आप स्लाइड कर करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर की का देखिए रजिस्टर के पास आया हुआ है। ठीक है, तो ये पहले के मुताबिक आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। ठीक है, A20 है, A20 भी देख सकते हैं इस तरीके से आप सेलेक्ट करके। ठीक है, गाइडलाइंस है, मतलब सारा कुछ दिया गया है इसमें, हर चीज़ दिया गया है। और आप पहले जीमेल से इसको सेटअप चला के कनेक्ट कर लीजिएगा ईमेल से, और
उसके बाद आपको एक्टिवेशन की आपको जहाँ से आप ख़रीदना चाहते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, और बस आप ओपन करके सारा फोल्ड पकड़ सकते हैं। तो बोर्नियो के जैसा ही है पर उससे सस्ता है और अच्छा है, ठीक है। इनका वीडियो के नीचे हम नंबर दे देंगे, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा नेटवर्क हमारा स्लो है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वर हमारा थोड़ा सा स्लो है इसके कारण वो ओपन नहीं हो रहा है, तो नेट कनेक्ट भी होना इसमें ज़रूरी है, बिना नेट का नहीं चलेगा ये, ठीक है। अब जूम आउट करना है तो लेफ्ट की से शायद जूम जूम होगा दोस्तों, ठीक है, और राइट की से ये हमारा जूम आउट होगा, ठीक है। इसमें इधर से बस यही प्रॉब्लम है कि इसमें जूम का नहीं दिया गया, पिछले वाला सेटअप में जूम का दिया गया था, और इसमें है ये आपको राइट करिएगा तो जूम आउट होगा और लेफ्ट करिएगा तो जूम इन होगा, ठीक है। तो क्वालिटी ठीक है, पहले से अच्छा है, और इसमें बहुत सारा मॉडल भी अपडेट हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।